नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाला है, पर थोड़ा इमोशनल। आई एम श्योर अब तक आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। हाँ, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, 14 जून 2020 संडे दोपहर को हमारी बॉलीवुड के महान टैलेंटेड सेल्फ मेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हम सबको अलविदा किए। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने बांद्रा वाली घर की सीलिंग फैन से खुद को लटका के खुदकुशी। पर दोस्तों, जितना समय बीत रहा या फिर जितना दिन जा रहे हैं, हमें बहुत सारी राज के पता चल रहे हैं और बहुत सारे राज की पर्दाफाश हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ 5 लेटेस्ट प्रूफ या फिर वजह दे दूंगा, जिसको सुनते ही आपको ये लगेगा कि ये सुसाइड नहीं मगर एक फॉल प्ले था या फिर एक सजाया हुआ घटना था। आपको क्या लगता है, क्या ये सुसाइड था या फिर कोई फॉल प्ले और मर्डर? प्लीज कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला तो ये है दोस्तों कि जब सुशांत को हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था, तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर जो था ना, वो अब जानते होंगे ड्राइवर, उन्होंने काफी सारे ऐसे सुसाइड केसेस सामने से देखे हैं, काफी सारे ऐसे सुसाइड डेड बॉडीज हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद किया है। तो उनका ये कहना है कि सुशांत की जो बॉडी पोस्चर थी वो एक सुसाइडल बॉडी पोस्चर से काफी डिफरेंट थी, उनमें काफी सारी अंतर थी। उनका कहना ये भी है, सुशांत की बॉडी देख के उनको ये लगा है कि कोई जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश की है या फिर एक मर्डर हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ड्राइवर को पता है, क्या सच है, क्या ड्राइवर को पता है ये सुसाइड है या फिर मर्डर है? प्लीज कमेंट करके बताइए। खबरों के मुताबिक ये है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 5 महीनों से डिप्रेशन में थे, वो एक डिप्रेशन की शिकार थे। पर चौंकने की बात ये है दोस्तों, सुशांत की सबसे करीब या फिर उनको सबसे अच्छी तरह से जानने वाले उनके एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, जो कि ना 14 साल सुशांत के साथ रहे थे, पर 2016 में उनकी रिलेशन की अंत हो गई एंड दे बोथ पार्टेड देयर ओन वेज। तो अंकिता लोखंडे का ये मानना है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। सिर्फ यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि सुशांत जैसे इंसान, वो हमेशा सुशांत जैसे इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान जो हमेशा दूसरों को अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने के लिए इतना बढ़ावा देता था, वो भला कैसे डिप्रेशन में जा सकता? आपको क्या लगता है, क्या वो सच में डिप्रेशन में था? प्लीज कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, जो दूसरा प्रूफ है वो काफी नेचुरल, तो वो ये है कि खबरों के मुताबिक ये जाना जाया है कि सुशांत जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी, उसी दिन सुबह पहले उन्होंने उठ के जूस पिया था और फिर यही नहीं, उन्होंने वीडियो गेम भी खेला था। तो आपको क्या लगता है, एक इंसान जो पिछले 5 महीने से डिप्रेशन की शिकार है, वो इस तरह से रिलैक्स में बैठ के जूस पिएगा या फिर वीडियो गेम्स खेलेगा? इज इट पॉसिबल? और उसके बाद वो जाएंगे खुदकुशी करने, क्या ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है या फिर कोई ड्रामा हो रहा है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तब वो क्या लगता है कि इस प्रस्तुत कथन का वक्ता जो है वो भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है? तीसरा फैक्ट जो है वो ये है दोस्तों कि अगर आप सोशल मीडिया चेक करोगे तो कुछ ही दिन पहले इनफैक्ट सुशांत की डेथ इमेजेस वायरल हुई थी सोशल मीडिया में। अगर आप उन इमेजेस को गौर से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि सुशांत की गर्दन में एक बहुत ही वाइड जख्म या फिर इंजरी हुई थी, पर वो कोई हैंगिंग केस में नहीं होता है। हैंगिंग केस में उतना वाइड और उतना गहरा इंजरी नहीं होता है।
वो इंजरी देखकर ये लग रहा था कि किसी ने जरूर उस पर कोई बुरी तरह से अटैक या फिर फोर्सफुली बहुत गंद तरीके से उसे इंजर किया। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में वो हैंगिंग की वजह से हुआ है या फिर कोई फोर्सफुली अटैक हुआ है? तो जो चौथा प्रूव है और या फिर फैक्ट है वो है सुशांत की दोस्त संदीप सिंह। तो दोस्तों, सुशांत की दोस्त संदीप सिंह ने खुद कन्फेस किया है कि वो करीब एक साल से सुशांत के साथ इंटरेक्शन में नहीं थे, बिल्कुल अनटच थे। पर खबरों के मुताबिक सुशांत जब हॉस्पिटलाइज किया गया था तब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, संदीप सिंह वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द हॉस्पिटल। तब क्या लगता है, अगर कोई इंसान किसी के साथ टच में नहीं है, इंटरेक्शन में नहीं है, तो उसको पता कैसे चला कि कुछ हुआ है या फिर कौन से हॉस्पिटल में इवन ले गया है? Isn't it a bit fishy? सिर्फ यही नहीं, अगर आप गौर से कुछ लास्ट हाल ही में मैंने देखा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे हॉस्पिटल के कुछ फुटेज, अगर आप उन्हें गौर से देखोगे ना आपको ये पता चलेगा कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने एक इंडिकेशन जेस्चर दिया था मुंबई पुलिस को। व्हाट वाज इट, क्या इसकी बहुत जरूरत थी, इसकी वजह क्या हो सकती, क्या आप सबको लगता है कि संदीप सिंह भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, इस मामले के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो पांचवा प्रूफ है उसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिनके हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको फैंस ने बहुत हेटरेट दिया था और काफी ट्रोल किया गया था उसके वीडियो को। I have immense faith in God and His judiciary. I know even though there are lots of horrible things going in the electronic media about me, but I kept quiet. I should get justice. Satyam Vijayate. The truth shall prevail. दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा sneak peek दे दिया उस वीडियो में। मुझे पता नहीं ये सब करके वो खुद को प्रूफ करना क्या चाहते हैं। मगर हाँ, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती करीब डेढ़ साल से रिलेशनशिप में हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत जब से रिया के साथ रिलेशनशिप में आई तब से वो अपने फैमिली से दूर जाने लगा। उनके परिवार, उनके पापा ने ये FIR भी किया है रिया चक्रवर्ती के बारे में कि रिया ने सुशांत को अपने परिवार से दूर करना चाहा। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत को रिया कुछ हाई डोज टैबलेट भी खिलाती थी। क्या था वो टैबलेट, क्यों भला वो टैबलेट खिलाती सुशांत? दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से बड़ी रकम या फिर बड़े धनराशि का ट्रांसफर हुआ है और वो भी रिया चक्रवर्ती ने किया है। Isn't it fishy about it? क्या वजह था, क्या यही वजह था पैसों के बारे में? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन है इन सब में से जो सुशांत को मारा था, कौन है जो एक बहन से अपने भाई को दूर कर, एक परिवार से एक इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा मामू, सबको दूर कर दिया? क्या वजह हो सकता है? ये वजह तो अब तक बहुत है पर असली वजह क्या है हम सबको नहीं पता है। पर मैं ये अनुरोध बिल्कुल करना चाहूंगा कि बीइंग अ फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, वी वांट जस्टिस फॉर SSR, वी वांट CBI फॉर SSR, प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप यू ऑल लाइक्ड इट, स्पेशली सुशांत के फैन सब। तो हम सबको ये जानना है कि सुशांत की मरने की कारण क्या था या फिर वजह क्या था, क्यों उनको मारा गया इस बेजर्मी से। वी वांट टू नो, इवन द नेशन वांट्स टू नो।
तो दोस्तों मेरा यही अनुरोध है आप सबसे कि प्लीज आप ये वीडियो को बहुत 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 शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बातें पहुंचे और सबको एक वोकल होने की एक प्रेरणा मिले और सब अपने वॉइस पे आके सब इंसाफ चाहे तो ही हमको सुशांत की इंसाफ मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।